दोस्तों, इस वीडियो में हम बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के बीच के डिफरेंस को समझेंगे। आसान भाषा में समझें तो जब बैलिस्टिक मिसाइल को रिलीज किया जाता है तो वो सबसे पहले बहुत तेजी से ऊपर की ओर जाते हुए अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करती है एंड देन लोअर ऑर्बिट तक जाती है। ऊपर की ओर जाते वक्त बैलिस्टिक मिसाइल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्बिटल मैकेनिज्म को फॉलो करती है। एक फिक्स ऑल्टीट्यूड पर पहुंचने के बाद अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के इन्फ्लुएंस में आकर बैलिस्टिक मिसाइल नीचे की ओर आती है और अपने डिटरमाइंड टारगेट को हिट करती है। यानी ये मिसाइल एक फिक्स पैराबोलिक मोशन या एक फिक्स ट्रेजेक्टरी को फॉलो करती है, जिसका मतलब है कि इसके टारगेट को सेट करने के बाद बदला नहीं जा सकता। इसके उलट क्रूज मिसाइल की बात करें तो ये जनरली अर्थ सरफेस से 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती हैं। यानी ये मिसाइल अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर रहकर ही ऑपरेट करती हैं और ये मिसाइल अपना पाथ खुद ही डिटरमाइन कर लेती हैं। अगर एक बार क्रूज मिसाइल के रडार पर किसी टारगेट को लॉक कर दिया जाता है तो वो उस टारगेट की लोकेशन के अकॉर्डिंग अपने पाथ को चेंज कर लेती हैं।